हेलो फ्रेंड्स, पूनम्स किचन में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे ब्रेड से बहुत ही टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पर 4 ब्रेड ले लिए हैं और इसे हम साइड से निकाल देंगे चाकू से कट करके। फ्रेंड्स, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, ये नाश्ता आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे और ये बहुत ही आसानी से बन भी जाते हैं। आप इसे सुबह के नाश्ते में, शाम की हल्की फुल्की भूख में बहुत ही जल्दी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू कर लेते हैं। यहाँ पे हमने 4 ब्रेड को साइड से कट कर लिया है। अब हम इसमें 2 उबले हुए आलू ले लेंगे और इसे अच्छे से तोड़ लेंगे। आलू को हमने पहले से उबाल कर रख लिया था। यहाँ पे हमने हरा धनिया ले लिया है, ये है अमचूर पाउडर, ज़ीरा हमने यहाँ पे 1 चम्मच लिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और नमक टेस्ट के अनुसार, और हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि मिक्स करते हुए आपका बैटर गीला है तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन भी मिक्स कर सकते हैं। रेसिपी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार होगी, तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करिए, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और इसे बच्चे भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो बैटर को हमने ऐसे हाथों से बेल लिया है और इसे पतले पतले कर लिए हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से ये बेल जा रहा है हाथों से ही। अगर आपका बैटर गीला रहे तो आप थोड़ा सा बेसन भी इसमें मिक्स कर सकते हैं। अब हम इसे चाकू से ऐसे ही कट कर लेंगे। ये नाश्ता हमारा बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाला है, तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी, आपने इसे कितना एंजॉय किया, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और आपकी रेसिपी कैसी बनी है, ये देखिए, हम नूडल्स वाले चमचे से ऐसे ही से थोड़ा सा दबाते हुए ऐसा सेव कर लेंगे इसका। ये थोड़ा सा अगर चिपके तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन चमचे में लगाकर करिए, ये बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये देखिए, ऐसे ही हम एक एक सारे कट करके और ऐसे ही इसे कर लेंगे। पकौड़े हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिल सके। मैं आपको एक एक कट करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल ऐसा ही आप करिएगा। कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताकि आपको हर एक प्रोसेस समझ में आए। आधा अधूरा वीडियो देखने से रेसिपी समझ में नहीं आती है, फिर अगर उसे ट्राई किया जाए तो रेसिपी ख़राब हो जाती है। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिए, फिर रेसिपी बनाना ट्राई करिए, आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होगी, एकदम परफेक्टली बनकर तैयार होगी। तो ऐसे ही दूसरी बार भी हम इसमें दबाते हुए
बना लेंगे इसको। ये नाश्ता हमारे बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो हफ्ते में दो बार ज़रूर बोलते हैं बनाने को। आप भी एक बार बनाइए, आपके भी बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। इसे बच्चे या बड़े सभी पसंद करते हैं, तो ये बहुत ही नया नाश्ता है, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिए। ये देखिए, अब हम चलेंगे इसे तलने की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ पास से, ये कितना अच्छा दिख रहा है देखने में भी, तो खाने में भी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट है। ये देखिए, अब हम गैस पर कढ़ाई रख देंगे और इसमें गर्म होने के लिए तेल डाल दिए हैं। अब तेल को गर्म है या नहीं एक बार हम चेक कर लेंगे, फिर पकोड़े डालेंगे। ये देखिए, तेल हमारा बहुत ही अच्छे से गर्म था। यहाँ पे हमने गैस को मीडियम फ्लेम पे रखा है, आप भी मीडियम फ्लेम पे रखिए ताकि पकोड़े हमारे अंदर तक अच्छे से पकें, नहीं तो हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे तो पकोड़े हमारे ऊपर से पक जाएंगे लेकिन अंदर कच्चे ही रहेंगे, इसलिए हमें गैस को मीडियम फ्लेम पे रखना है और पकोड़े को अच्छे से पकाना है। 2 से 3 मिनट लग जाएंगे पकोड़े को बनाने में, तो आप इसे अच्छे से चिमटे से घुमा घुमा के पलटिए, बहुत ही आसानी से पलट जाते हैं। एक एक करके हमने सारे पकोड़े को पलट दिया है। फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और इसमें बिल्कुल भी पैसे खर्च होने वाले नहीं हैं, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये देखिए, बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार होते हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ, सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकाना है, बिल्कुल भी जलाना नहीं है, ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाएं। पकौड़े में कितना अच्छा कलर आ गया है हमारा, गोल्डन कलर। अब हम इसे ज़्यादा जलाएंगे नहीं, अब हम इसे निकाल लेंगे। पकौड़े हमारे बिल्कुल तल गए हैं अच्छे से, चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं। ये देखिए, कितने अच्छे क्रिस्पी पकौड़े बनकर हमारे तैयार हुए हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी पकोड़े बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड्स। अब हम दूसरी बार भी पहले वाला प्रोसेस दोहरा लेंगे।
एक एक करके डालेंगे और हम इसे चिमटे से ही पलट लेंगे। हम इसे पहले वेट कर लेंगे पकने के लिए। एक साइड हमारा अच्छे से पकना चाहिए। फिर हम इसे पलटेंगे। अब हमारा एक साइड पक गया है पकौड़ा। अब हम इसे पलटेंगे। आपको यहाँ पे इस बात का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है कि एक साइड पकौड़े तल जाएं तभी दूसरी साइड उसके पलटना है। हमने एक एक करके चिमटे से इसे पलट लिया है। सारे पकौड़े को हम ऐसे ही पलट लेंगे। देखिए बिल्कुल पहला वाला ही प्रोसेस आया है इसमें, क्योंकि गैस को हमने मीडियम फ्लेम में रखा है और पकौड़े हमारे बिल्कुल भी जलेंगे नहीं और अच्छे से तल जाएंगे। इस प्रोसेस पे ध्यान देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अच्छे से तलिए ताकि ये अंदर तक पक सकें अच्छे से। पकोड़े हमारे दूसरी बार के भी तल गए हैं अच्छे से और इसमें कितना प्यारा कलर भी आ गया है, गोल्डन कलर। पकोड़े हमारे पक गए हैं। अब हम इसे निकाल लेंगे अलट पलट के। ये देखिए कितने अच्छे पकोड़े बनकर तैयार हुए हैं हमारे और बहुत ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए सारे पकोड़े हमारे कितने अच्छे दिख रहे हैं। अब हम इसे सर्व करेंगे सॉस के साथ। तो आप ही इसे एक बार ज़रूर एंजॉय करिए और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताइए। मिलते हैं।